नमस्कार दोस्तों, अभिषेक असाटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में सी टेट से रिलेटेड जो ईवीएस का पोर्शन आता है पेपर वन में जो ईवीएस से रिलेटेड पोर्शन आता है उसमें हम देखने वाले हैं इसके सिलेबस और टॉपिक के बारे में। तो एक एक करके टॉपिक देखेंगे। जैसा कि हमें पता है कि इसमें टॉपिक जो होते हैं वो थीम बेसिस होते हैं, 6 थीम्स होती हैं, 6 थीम्स को हमें देखना है। तो सबसे पहली थीम है इसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी आपको 4 सब थीम्स मिलती हैं, जिसमें पहली होती है रिलेशनशिप्स, दूसरी होती है वर्क एंड प्ले, फिर तीसरी होती है एनिमल्स और चौथी होती है प्लांट्स। मैं आपको इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको इसकी ट्रिक भी याद रहेगी। नेक्स्ट है फूड यानी कि खाना, भोजन। तीसरा है पानी, वाटर। चौथा है जो इसकी मेन थीम है, वो 6 थीम है और पहली थीम के अंदर 4 थे और बाकी अब ये दूसरी, तीसरी और चौथी जो मैंने बताई है ये थीम्स हैं। तो चौथी जो है वो शेल्टर यानी आश्रय, फिर पांचवी जो है ट्रैवलिंग यातायात, और छठवीं जो है उसकी वो है थिंग्स वी मेक एंड डू। तो आपको मैंने बोला था कि मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक है कि यदि आप सबसे पहले, कोई भी बच्चा होता है वो पहले क्या होगा, जन्म लेगा, बर्थ होगी उसकी। जैसे ही उसकी जन्म होंगे तो उसके साथ उसके रिलेशंस ऐड हो जाएंगे, उसके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर जो भी है। उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो वर्क और प्ले करेगा यानी घर में कुछ खेलेगा, कूदेगा, काम करेगा और उसके आसपास की चीज़ों से वो ऑब्जर्व करेगा, उनसे कनेक्ट होगा, तो एनिमल्स होंगे, प्लांट्स होंगे। और उसके बाद अब उसके लिए ज़रूरी क्या है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा उसका फूड यानी खाना और पानी, जिसको हम हमेशा याद करते हैं, है ना, कि खाना पानी और रहना इसको ज़रूरी होता है। फिर शेल्टर, और जब ये सब चीज़ों के बंदोबस्त हो जाता है तो उसको घूमना ज़रूरी है, और फिर बाद में कुछ काम, थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ट्रैवलिंग के बाद आता है आपका थिंग्स वी मेक एंड डू। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड दोस्तों से शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।